हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार फ्लैट सेक्टर 6 के अंदर। यहाँ पे हमारे पास मिल जाती हैं दो लिफ्ट्स जो कि यहाँ पे हैं, और एक फ्लोर पे आपको मिलेंगे चार फ्लैट्स। तो इसका कॉरिडोर देख रहे हैं आप, काफ़ी ह्यूज कॉरिडोर है। यहाँ पे स्टेयर्स आ जाती हैं, और हमारे जो फ्लैट के उस तरफ हैं वहाँ पे फायर एग्जिट की स्टेयर्स हैं। सो ये हमारे फ्लैट की एंट्री है। एंट्री आप देखेंगे कितनी शानदार एंट्री बना रखी है यहाँ पे, और ऊपर आप देखिए कितना प्यारा वर्क हो रखा है। सो एंटर करते ही आपको ये मिल जाती है स्पेस फॉर द स्टोरेज। यहाँ पे आप अपना कोई एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने शू रैक्स वगैरह बना सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा सामान आ जाएगा आपका। और लेफ्ट साइड में हमारे को एक मिल जाता है स्टोर रूम, या हम इसको सर्वेंट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको पूजा रूम भी बना सकते हैं। सो दिस इज क्वाइट गुड स्पेस अवेलेबल हेयर। और जैसे ही हम फ्लैट में, ये हमारा आ गया दूसरा डोर, इसको एंटर करते ही हमारा आ गया पूरा ड्राइंग हॉल। सो आप ड्राइंग हॉल देख रहे हैं कितना बड़ा ह्यूज ड्राइंग हॉल है, और ऊपर सारी फॉल सीलिंग हो रखी है, फैंस एंड सेंडलर सब चीज़ें लगी हुई हैं, एसी यूनिट भी लगी हुई आपको मिल रही है यहाँ पे। सो ये हमारा पूरा ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया के साथ हमें मिल जाती है बड़ी स्पेशियस बालकनी। सो दिस इज़ द वेरी गुड यूएसपी ऑफ दिस फ्लैट। पूरी बालकनी है इसकी। जो फ्लैट की एंट्री है वो नॉर्थ ईस्ट एंट्री है, और ये जो है हमारी साउथ वेस्ट पे बालकनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको शाम तक की धूप मिलने वाली है, और इसका जो व्यू आप देख रहे हैं पूरा पार्क फेसिंग व्यू है। सो आप देख पा रहे हैं कितना शानदार व्यू मिल जाता है यहाँ पे हमें, और काफ़ी अच्छी स्पेशियस ह्यूज बालकनी हमें यहाँ पे मिल रही है। सो दिस इज़ द बालकनी। और अब हम चलते हैं फ्लैट के अंदर। तो ये पूरा ड्राइंग हॉल स्पेस था। ड्राइंग हॉल के साथ साथ हमें उतना ही अच्छा स्पेस हमारा डाइनिंग का मिल जाता है। सो ये आप देखिए डाइनिंग का स्पेस भी कितना शानदार बना हुआ है। ऊपर देखेंगे प्रॉपर फैन लगा हुआ है लाइट वाला, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फॉल सीलिंग कितनी प्यारी हो रखी है, और कितनी बढ़िया हमें मिल जाती है यहाँ पे डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस के साथ आपको सामने दिख रही है ब्यूटीफुल किचन, फुल्ली मॉड्यूलर किचन है। यहाँ पे स्पेस दिया गया है फॉर द फ्रिज एरिया, एंड आप देख रहे हो पूरी ही पूरी जो किचन बनी हुई है पूरी मॉड्यूलर किचन है। हॉब चिमनी सब कुछ फिटेड मिल रहा है हमें। डबल सिंक मिल रहा है आपको, आरओ यूनिट लगी हुई मिल रही है, गीजर्स लगे हुए हैं आपके, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। पूरी की पूरी किचन जो है पूरी मॉड्यूलर किचन है, और कितना बढ़िया वाइट थीम में बनाई हुई किचन, बहुत ही आलिशान किचन लग रही है यहाँ पे। सो ये है इसकी किचन। और यहाँ पे हमें एक मिल जाता है छोटा सा पाउडर रूम। सो यहाँ पे हमारा जो आ गया एक वॉश बेसिन आ गया, और इसके अंदर हमारा जो है वो बाथरूम आ जाता है। सो दिस इज़ अ पाउडर रूम, कोई गेस्ट आए तो उसके लिए। और यहाँ पे इवन हमको उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है, नहाने का ऑप्शन भी दिया गया है। सो ये टोटली बहुत ही अच्छा, मतलब छोटा सा एक पाउडर रूम के साथ साथ कम वॉशरूम भी है। अब हम बात करते हैं इसके बेडरूम्स की। तो इसमें तीन बेडरूम्स हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है जो हमारा ड्राइंग रूम के साथ में है। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आप देखेंगे कितनी बढ़िया फॉल सीलिंग्स, एसी यूनिट्स आपको लगी हुई मिल रही हैं। सामने फोर डोर की अलमीरा मिल जाती है प्रॉपर, और ये पूरा बेड स्पेस मिल जाता है। इसके साथ हमें मिलेगा अटैच वॉशरूम। सो दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। वॉशरूम भी आप देखेंगे अच्छे मेंटेन, काफ़ी अच्छी सारी फिटिंग्स जैगुआर की लगी हुई हैं, और कितने बढ़िया वॉशरूम्स बने हुए हैं। वॉशरूम्स में भी आपको गीजर एग्जॉस्ट फैन सब फिटेड मिल रहा है। सो ये फुल्ली फिटेड फ्लैट है हमारा। अब चलते हैं इसके बाकी दो बेडरूम्स की तरफ। सो क्विक इंट्रोडक्शन देते हैं आपको टू बेडरूम्स का भी। सो यहाँ पे हैं इसके दोनों बेडरूम्स। सो पहले इसमें चलते हैं। ये है हमारा सेकंड बेडरूम। इसमें भी आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है, फॉल सीलिंग इसमें भी हो रखी है, और साथ में आपको एसी यूनिट मिल जाती है। सामने थ्री डोर की अलमीरा मिल रही है आपको इतनी बढ़िया, और यहाँ से हमें एक डोर मिल जाता है जो कनेक्टिंग है हमारी बालकनी के साथ। सो दिस इज़ द डोर फॉर द बालकनी। इसमें जाली के दरवाजे भी आपको मिल रहे हैं, और इसमें धूप देखिए कितनी अच्छी आ रही है। सेम बालकनी है, और वही नज़ारा है यहाँ पे जो कि बहुत प्यारा है, और प्रॉपर साउथ वेस्ट फेसिंग है। अभी इसके ऊपर आप देखोगे शेड भी लगा हुआ है, नहीं तो धूप तो बहुत ज़्यादा आएगी इसके अंदर। इसके साथ हमें जो वॉशरूम मिलता है ये दोनों रूम से अटैच है। सो ये वॉशरूम भी आप देख रहे हैं कितना बढ़िया बना हुआ है, सारा काम इसमें जैगवार का हो रखा है। ऊपर सारे आपके गीज़र भी लगा हुआ है हमारा, सब चीज़ें फिटेड मिल रही हैं आपको, सब जैगवार की फिटिंग्स हैं। सो ये वॉशरूम दोनों रूम से अटैच्ड है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। सो ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम भी देखेंगे काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। सामने आपको मिल जाती है थ्री डोर की अलमीरा,
और सामने स्पेस मिल रहा है एक्स्ट्रा नीचे, जहाँ पे आप अपना स्टडी टेबल भी बना सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको एसी यूनिट लगी हुई मिल रही है, फैंस वगैरह सब लगे हुए हैं। सामने डोर आ जाता है जो कि वॉशरूम का है, जो कनेक्टिंग है जो मैंने अभी आपको दिखाया, सेम वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ द फ्लैट जो कि हमारा है सेक्टर द्वारका सेक्टर 6 के अंदर, शिवालिक अपार्टमेंट का फ्लैट है ये। और ये जो एंट्री है इसकी वो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, जिनको वास्तु वगैरह देखना होता है वो देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है। बाकी हम इसकी बात करें प्राइसिंग की, तो इसकी जो आस्किंग है वो 2.14 CR है, बाकी रेस्ट वी कैन नेगोशिएट ऑन द टेबल। और कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कॉल करो 9999551682 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।